डाइस में इससे पहले आपने देखा कि क्लोज डाइस हमने पढ़ा था, अब हम ओपन डाइस की बात करते हैं। ओपन यानी कि यहाँ पे 6 पार्ट्स आपको गिवन होगा और फिर हम उसमें उसका अपोजिट बताएंगे। सपोज करिए ऐसा कोई पार्ट्स हो, ए बी सी डी ई एंड एफ, और अगर हम इसका आंसर दें तो इसका सिंपल सा रूल होता है, दोनों पे एक ही साथ दो फिगर हम बना लेते हैं और दोनों फिगर का एक साथ आंसर देंगे तो इससे आपको जल्दी समझ में आएगा, जल्दी समझ लेंगे आप। रूल ये है इसका कि अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन है तो हम एक एक छोड़ करके यानी अल्टरनेट चलेंगे, एक एक छोड़ करके चलेंगे, यानी कि ये एक सीधी लाइन है तो ए का अपोजिट सी हो, यानी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये एक सीधी लाइन चल रहा है इसमें, तो डी का अपोजिट एफ हो जाएगा, डी का अपोजिट एफ हो जाएगा, और जो बचा हुआ है वो आपस में अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि बचा हुआ क्या है बी और यहाँ पे क्या बचा है ए, ये आपस में अपोजिट हो जाएगा। उसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 की बात करें अगर हम, तो इसका रूल क्या है, स्ट्रेट लाइन में एक एक अल्टरनेट और साइड का अपोजिट जो होता है साइड होता है। आप देख लें ये साइड में है, ये साइड में है, यानी 1 का साइड 6 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 4 और 3 का क्या हो जाएगा 5। और भी एग्जांपल्स हम इसमें देखते हैं और कैसे इसको क्लोज करके आंसर देते हैं। हाँ, ओपन डाइस में अगर हम देखें तो अभी हमने रूल बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ही दे देगा जिसमें 6 पार्ट्स होंगे और उस 6 पार्ट के बाद आपको देखना है कि 4 ऑप्शन होगा, हो सकता है उसमें 2 भी विकल्प सही हो, 3 भी सही हो सकता है या कोई एक सही या कोई भी ना सही। तो यहाँ पे रूल ये कहता है कि साइड का अपोजिट साइड होगा, यानी कि ई का अपोजिट क्या होगा सी, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में बी का डी और ए का एफ। अपोजिट का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब सिंगल डाइस हमने पढ़ा था तो 1 आ रहा था तो उसका अपोजिट 6 हो रहा था और 2 आ रहा था तो 5 हो रहा था, लेकिन 1 आता है तो 6 नहीं दिखता है। उसी तरीके से जब हम इसे क्लोज करेंगे, ऐसे बंद करेंगे, तो इसमें किसी भी कीमत पे ई आएगा तो सी नहीं आना चाहिए, बी आएगा तो डी नहीं आना चाहिए और ए आएगा तो एफ, यानी आमने सामने का दोनों ये वैल्यू एक साथ इन 3 पार्ट्स में नहीं दिखना चाहिए। फटाफट देख लेते हैं हम लोग। आप यहाँ पे देखेंगे कि ई आया है तो क्या नहीं आना चाहिए, एफ नहीं आना चाहिए, यानी एक फिगर गलत है। सी आएगा तो क्या नहीं आना चाहिए, ई यहाँ पे दिख रहा है इसलिए गलत है। अच्छा यहाँ पे देखिए बी आएगा तो क्या नहीं आना चाहिए, डी, इसमें ये भी गलत है, ये आ रहा है, यहाँ पे सी ई था और यहाँ पे ए एफ था। यहाँ देख रहे हो कि अल्टरनेट कुछ भी हो सकता है, ई बी ए आएगा सही होगा, बी आए फिर से डी आ जाए, बी आए डी आएगा तो गलत होगा, लेकिन बी आए सी आएगा तो सही होगा, एफ हो सकता है, तीन ये या तो किनारे, तीन ये या तो अलग से हो सकता है या फिर आमने सामने का छोड़ कर। यहाँ पे देखा आपने ए आया तो एफ नहीं दिया है, डी आया तो बी नहीं दिया और सी आया तो ई नहीं दिया, यानी कि हमारा आंसर ये 4 सही है। ओपन डाइस का ये सेकेंड एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आपने देखा होगा इससे पहले मैंने बताया था कि जब भी कोई सीधी लाइन है तो सीधी लाइन के क्वेश्चन में आपको एक एक छोड़ करके एग्जाम्पल में आंसर देना होता है, और यदि वो साइड का दिखता है तो साइड का अपोजिट साइड होता है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि जो कॉर्नर का ये पार्ट है ये चारों एक ही टुकड़ा, यदि इसको आप इस तरीके से आप ब्लेड से या चाकू से काटते हो तो ये ऐसे दिखता है, इसका ये होगा और इसका ये होगा और ऐसे ही आएगा और चारों जब मिलेगा तो एक जगह पे आएगा। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसमें आप देख रहे हो कि एक सीधी लाइन है, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा सी, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा बी, और जो बीच में है यानी कि ये अगर फ्रंट पे है तो ये पार्ट बैक का होगा चारों टुकड़े, और ये चारों टुकड़े मिल करके जो है इसके पीछे पार्ट में दिखेगा, यानी कि जो ई का अपोजिट होगा वो एक ऐसे टुकड़े में दिखना चाहिए, मीन्स
कि अगर हम देखें तो ई का जो अपोजिट होगा और वो भी एक क्लॉक वाइज में, क्रमशः क्लॉक वाइज में, यानी कहीं से भी शुरुआत करिए तो 2 3 4 1 या 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, ऐसा नहीं होगा कि 3 आए तो 1 आ जाए, 1 2 3 4 या 4 1, एक कंटिन्यूस फॉर्मेट देख लेते हैं। अब जब ये हम क्लोज करते हैं यानी बंद करते हैं तो ए आएगा तो सी नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी देखिए ए आया है सी आया है, यानी ये ऑप्शन कट गया। डी आएगा तो बी नहीं आना चाहिए, कहीं ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें डी आया है बी आया है, ये कट गया। अब ई आएगा तो 1 2 3 4 नहीं आना चाहिए, ऐसा किसी में नहीं दिख रहा है। अब हमारा जो आंसर होना चाहिए इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब देखते हैं ई आया सी नहीं आया, अभी तक सही है, ए आया और यहाँ पे भी सी नहीं आया, लेकिन यहाँ पे देखो आप 1 के बाद 3 आया, जबकि आना क्या चाहिए था 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 1 2 3, और इसका आंसर ये होगा। ओपन डाइस का थर्ड एग्जांपल हम दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स है, इसको हमने 4 कोने के रूप में काट लिया है और ये बी का अपोजिट हो, ये जो बी है अगर फ्रंट है तो ये चारों जो कॉर्नर है ये इस रूप में आएंगे, और आपको ये पता होता है कि क्लॉक वाइज रोटेट होता है, यानी अगर ये अल्फा आएगा फिर ये बीटा होगा, फिर ये कॉपी राइट होगा और फिर ये ट्रायंगल होगा, यानी कि बी आएगा तो सामने का अपोजिट आपका अल्फा बीटा कॉपी राइट और ट्रायंगल एक इस रूप में होगा। अब जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये आमने सामने एक साथ नहीं दिख सकता है। बाकी आप ये अभी तक के सभी क्वेश्चन में यही हो रहा था कि जो एक स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन में वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि डी का अपोजिट ई होगा और ए का अपोजिट सी होगा। जब आप क्लोज करते हैं तो या तो 3 ये दिखना चाहिए या तो 3 ये एक साथ दिखना चाहिए, और अगर बीच में कहीं ऐसा आपको लगता है कि ये ना 3 हो तो डी के बाद ये तिरछे ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है, बस सामने का नहीं आना चाहिए। आप देख लीजिए ए आया है डी आया है, ए आया डी आया है, ए के बाद सी नहीं होना चाहिए, ए के बाद यहाँ सी दिख रहा है, इसलिए क्या है गलत है। अब बी आएगा तो किसी कीमत पे ये चारों नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ए आया सी इसमें भी ये गलत हो गया। अगला देखते हैं बी आया डी आया लेकिन ये चारों दिया हुआ, ये भी गलत है। ई आया है सी आया है ठीक है अभी तक, और इसका अगर हम देखें इस कंडीशन में आपका क्या होना चाहिए क्लॉक वाइज, तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद अल्फा है बीटा है और कॉपी राइट, यानी इसका आंसर ये होगा। ओपन डाइस का फोर्थ और लास्ट एग्जांपल हम दे रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ये सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि 2 स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल ट्रेन की पटरी जैसे ये चलते हुए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक होगा क्योंकि सीधी लाइन में एक एक छोड़ करके होता है, यानी ब्लैंक का ब्लैंक बॉक्स का अपोजिट ब्लैंक बॉक्स होगा। अब इस ब्लैंक बॉक्स का अपोजिट क्या होगा स्टार होगा, और ये जो कलर्ड बॉक्स है कलर्ड सर्किल है उसका एक रेक्टेंगल के पार्ट में कलर्ड। अब या तो ये दोनों आ जाए तीनों आ जाए या ये तीनों आ जाए। अब सवाल ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहां पे दिमाग में ये है बच्चों को या रहेगा कि भाई ये ब्लैंक का ये ब्लैंक तो आना नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें ये सोचने वाली बात है कि ये ब्लैंक नहीं आएगा ये ब्लैंक तो आ सकता है, यानी जिसमें 2 ब्लैंक होगा वो आंसर हमारा सही हो सकता है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन आप देखो स्टार आया है ब्लैंक का कोई मतलब नहीं, स्टार इसके बाद ये आया है और ये, अब ये दोनों आमने सामने आ गया तो इसलिए क्या हो गया गलत। इसमें भी ये दोनों आमने सामने आया इसलिए भी ये गलत हो गया। इसमें आप देख रहे हो कि ये कलर्ड है और 2 ब्लैंक है, यानी कलर्ड के साथ यही ब्लैंक आए, जरूरी नहीं है कि इसके सामने वाला यही हो। आप ये कह सकते हो एक ब्लैंक हमारा यहाँ से आएगा इसके साथ और दूसरा ब्लैंक ये आ सकता है, यानी कि आंसर हमारा सही है। अब सर्किल के बाद देखते हैं, सर्किल है ये आपका स्टार है, सर्किल स्टार और एक ब्लैंक, यानी कि इसमें 2 आंसर आपके सही है। फिर से देख लो आप कि ये कलर्ड अगर आएगा तो कलर्ड के साथ आप 2 ब्लैंक ला सकते हो, कलर्ड के साथ 2 ब्लैंक ला सकते हो, ये 2 ब्लैंक सही है। अब ये स्टार है, स्टार के साथ ब्लैंक आए, यही ब्लैंक आए कोई जरूर नहीं, ये ब्लैंक भी हो सकता है
एक नया स्टार, और इस तरीके से ये थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। और इस विश्वास से हम इस चैप्टर को कवर करते हैं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जरूर इस पर कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।